Hello boys and girls, today I am going to tell you about the lesson Tom Sawyer. This is the fourth paragraph. Tom came sadly out of the house. Tom उदास होते हुए घर से बाहर निकलता है. In one hand he had a long brush. एक हाथ में उसके पास एक लंबा ब्रश रहता है. In other he carried a bucket which was full of whitewash. दूसरे हाथ में वो बाल्टी लिए रहता है. विच वॉज फुल ऑफ वाइटवॉश, जो कि सफेदी से भरा हुआ रहता है. हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. उसकी आंटी चाची है ना, वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. चार दीवारी को सफेदी करने के लिए कहती है. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. टॉम उदास होते हुए चार दीवारी को देखता है. हाउ हाई इट इज, यह कितना ऊंचा है. हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितना लंबा है. ही थॉट, वह सोचा. इंडीड, वास्तव में. द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet. वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 feet थी. एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards और उसकी लंबाई 30 गज थी. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. टॉम ब्रश को सफेदी में डाल देता है. ही ड्रिव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. वह चार दीवारी को धीरे धीरे पेंट करता है. इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क. उसने एक छोटा सा सफेद चिन्ह लगा दिया. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम फिर से कोशिश करता है. अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, दूसरा भी एक छोटा सा सफेद चिन्ह लगा देता है. टॉम सेट एंड साइड हैवीली. टॉम बैठ जाता है और आह भरता है. ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट. वह पॉकेट में जितनी भी चीजें रहती है उसके पास, वह सभी चीजों को निकाल देता है. ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ मार्बल्स भी कंचे, उसके पास कुछ कंचे थे. सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरियों के टुकड़े थे. एंड टू और थ्री ब्रोकन टॉय, और दो या तीन टूटे हुए खिलौने थे उसकी पॉकेट में. नो वन विल वाइट वॉश द फेंस.
फॉर दीज। कोई भी इस चार दीवारी को सफेदी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ही थॉट, वह सोचा, नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं मुझे इससे बेहतर योजना सोचनी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसे विचार आया। लिसन यर स्टूडेंट्स, ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड अगेन, वह अपना ब्रश फिर से और फिर से उठा लेता है। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कड़ी मेहनत शुरू कर देता है। देन रोजर वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, देन रोजर्स गलियों से नीचे उतर रहे थे। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम इस तरह का बहाना करता है कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। ही वर्क हार्डर देन एवर, वह पहले से भी और कड़ी मेहनत करते गया। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन सेव खा रहे थे। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश लग रहे थे। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शेप, वह इस तरह से अपने आप को दिखा रहे थे कि जैसे वह एक बहुत बड़ी जहाज थे। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और उसमें वह जो है चारों ओर घूम रहे थे। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, वह जोरदार आवाज में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उनकी आज्ञा का पालन करता है। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आते हैं। ही रब्ड हिज आईज, वह आंखों को मलते हुए। व्हाई टॉम, क्यों टॉम? ही कैरीड इन ए ग्रेट सरप्राइज, वह बहुत बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ भी नहीं कहता है। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह सफेदी लगातार करते हैं। ही लुक्स वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत ही रुचि ले रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन फिर से दोबारा दोहराते हैं, टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू बेन, ओ ये तुम हो बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं अभी तुरंत तैरने के लिए जा रहा था। यू डोंट वॉन्ट टू कम, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, डू यू, क्या तुम? यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम पसंद है, डोंट यू? ही नहीं, तुम्हें नहीं पसंद है, दैट्स ऑल।